नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। राज ठाकरे के खिलाफ बोलना संजय राउत को भारी पड़ गया है। शिवसेना के ही अंदाज में मनसे ने संजय राउत को सबक सिखाया है। शिवसेना के अखबार सामना के ऑफिस के सामने मनसे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला एक बड़ा पोस्टर लगाया है। पोस्टर के जरिए मनसे की ओर से शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को चेतावनी दी गई है। कहा गया है कि कुछ साल पहले मनसे के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत की कार को पलट दिया था। मनसे की ओर से पोस्टर के जरिए पूछा गया है कि क्या इसे दोहराया जाना चाहिए। इस पोस्टर में लिखा गया है कि संजय राउत अपना लाउड स्पीकर बंद करें, नहीं तो मनसे अपने स्टाइल में इसे बंद कराएगी। दरअसल नवभारत टाइम्स से बात करते हुए संजय राउत ने राज ठाकरे को महाराष्ट्र का ओवैसी बता दिया था। इसी बात पर मनसे भड़क गई और सामना के सामने पोस्टर लगा दिए और संजय राउत को चुप रहने की चेतावनी भी दे दी है। संजय राउत ने एक बयान में कहा था कि बीजेपी के लिए राज ठाकरे महाराष्ट्र के ओवैसी हैं। जो काम यूपी में ओवैसी ने किया वही काम बीजेपी महाराष्ट्र में राज ठाकरे के माध्यम से कराना चाहती है। शांति बनी रही लेकिन शांति भंग करने का काम चल रहा था महाराष्ट्र में भी। कल महाराष्ट्र में भी कल शांति भंग करने की पूरी कोशिश हो गई मुंबई से लेकर महाराष्ट्र में जगह जगह, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ की पुलिस बहुत संयमी और बहुत ही मजबूत है, तो हमने ये नहीं होने दिया है और आगे भी नहीं होने दिया। उनका जो मिशन था ये लोगों का कि महाराष्ट्र में भी श्री राम जी और हनुमान जी के नाम पर हम दंगे भड़काएंगे, ये उनका एक मिशन था यहाँ के नए ओबीसी का, हिंदू ओबीसी का। मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने इतना ही कहा है कि उत्तर प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए जो काम भारतीय जनता पक्षा ने MIM के ओबीसी से करके लिया है, वही काम भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में नव हिंदू ओबीसी से करके ले रही है। अब सोशल मीडिया पर लोग ये बोल रहे हैं कि संजय राउत चुनाव से पहले ही हार मान चुके हैं। महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार बनने जा रही है जिस तरीके से यूपी में बनी है, क्योंकि संजय राउत ने जो ऐसा बयान दिया है उससे साफ नजर आ रहा है कि ओवैसी ने यूपी में बीजेपी की सरकार बनवा दी है। अब राज ठाकरे महाराष्ट्र में वही भूमिका निभा रहे हैं, इसीलिए संजय राउत बौखलाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कल हनुमान जयंती के मौके पर मुंबई के आगर बाजार स्थित मंदिर पर मनसे के तमाम कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इससे पहले लाउड स्पीकर को लेकर राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम उद्धव सरकार को दिया हुआ है। अब इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं।